आज हम बनाएंगे फेस्टिव सीजन के लिए मिठाई। मिठाई बनाना शुरू कर दिया है और इस मिठाई को बनाने के लिए ना मावा की ज़रूरत है ना दूध की ज़रूरत है। बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, सिर्फ 15 मिनट में ये बन के तैयार होगा। चलिए बनाना शुरू करें। हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिका की रसोई। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई जैसे गर्म हो जाए तो हम देसी घी डालेंगे। देसी घी हमने 1/3 कप डाला है और 1/2 कप मैंने मैदा लिया है। और जी हाँ, मैदा से बनाएंगे ये बर्फी और ये मिठाई। ये मैदा हमने डाल दिया है 1/2 कप मैदा और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भून लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है। फ्लेम को लो करके ये देखिए, भूनते भूनते थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, भून गया है। ये मैदा हमने साइड में रख लेंगे। अभी शुगर सिरप बनाएंगे, सासनी बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने पैन में 1 कप चीनी डाला है और 1/2 कप पानी डाला है। इसमें रेशियो यही रहेगा, 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी और 1/2 कप मैदा। इसको घोलने तक इस तरह से मिला लेंगे और हमें एक तार की चाशनी बनानी है, ये देखिए। और ये जैसे ही एक तार बन जाएगा तो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, तार बनने लग गया है। अभी गैस बंद कर देंगे। गैस बंद कर दिया है और ये शुगर सिरप तैयार हो गया है। अभी हम सासनी को ये जो भुने हुए मैदा के ऊपर धीरे धीरे करके डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे। एक हाथ से डालते जाएंगे, एक हाथ से चलाते रहेंगे और इनको लगातार चलाते हुए इस तरह से मिलाना है, क्योंकि ये घुट जाएगा तब तक मिलाना है। और इलायची पाउडर डाल देंगे खुशबू के लिए। अभी हम मिला देंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से मावा का टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी बर्फी बनेगा। और जो मैंने इलायची पाउडर डाला है, इसके जगह पे आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो, गुलाब जल डाल सकते हो, ऑप्शन आपके पास है। और इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमने गैस नहीं जलाया है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। और इस तरह से ये डो के जैसा गूंथने लग जाएगा। और ये देखिए, गैस नहीं जलाया है और इस तरह से मिलाना है लगातार चलाते हुए। ये देखिए, ये पैन को भी छोड़ने लग गया है, डो अच्छे से बन गया है। पे मैं डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी, आप इसके जगह ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास है आप ऐड कर सकते हो। मैंने टूटी फ्रूटी डाला है, इसका कलर व्हाइट है और कंट्रास्ट बन जाएगा। बर्फी जमाने के लिए एक ट्रे हम ग्रीस करके ले लेंगे। ये जो मिश्रण है, मिश्रण को ट्रे में स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। फटाफट करना है ताकि ये जल्दी से जम जाएगा नहीं तो। और ये देखिए, ये फटाफट स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। ये बर्फी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है, सिर्फ 15 मिनट में बन जाता है। आप इन फेस्टिव सीजन में आप बनाइए, बहुत पसंद आएगा। अभी हमने ये देखिए अच्छे से सेट कर दिया है। अभी 1/2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1/2 घंटा हो गया है और बर्फी भी हमारा सेट हो गया है। अभी हम इन्हें अच्छे से काट लेंगे, मनपसंद आकार में कट मार लेंगे। आप जैसे आपको पसंद है इस तरह से आप कट लीजिए, कट कर लीजिए। और ये देखिए, मैं इस तरह से काट रही हूँ और बर्फी इतनी आसानी से चाकू से कट जा रहे हैं, तो इसी में ही पता चलता है कि बर्फी कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं हर फेस्टिव सीजन में ये बर्फी बनाती हूँ और आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको आप बहुत, ये देखिए बर्फी कितना बढ़िया बना। देखिए, मैं पास में लेके दिखा रही हूँ, आप इन्हें देख के कह नहीं सकते कि ये मैदा की बर्फी है, इतनी बढ़िया बर्फी।
प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया बर्फ़ी इतनी आसानी से निकल जा रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी है। इन्हें आप बना के एक महीने तक खा सकते हैं। इन फेस्टिव सीजन में आप एक बार ज़रूर बनाइए। बनाना तो बहुत आसान है और इंग्रेडिएंट भी बहुत कम लगते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।